गुड इवनिंग सर। इवनिंग। डबल वन फाइव एट हो गया 4623। हाँ पासवर्ड 99 26 92। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है बार गिर जा रहा है। उठा उसको उसी को रख दो। गुड इवनिंग सर। थोड़ा खींचो। छोड़ो कनेक्ट। कहाँ है सवाल तक आया नहीं। अक्षत आवाज पहुंच रहा है? जी सर आ रहा है आवाज। अंकित? यस सर आ रहा है आवाज। सुधांशु? यस सर आ रहा है आवाज आपको। चलो राहुल आवाज पहुंच रहा है? चलो हम लोग शुरू करते हैं ना। लिखो व्हाट इज द एटॉमिक वेट। क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक वेट।
What is the atomic weight of an element X? What is the atomic weight of an element X? What is the atomic weight of an element X for which a sample containing for which sample containing 1.58 into 10 to the power 19 atoms having weight 1.58 into 10 to the power 19 atoms having weight 1.05 milligram atoms having weight 1.05 milligram चलो देखो तो क्वेश्चन पूछ रहा है एटॉमिक मास क्या होगा कोई एलिमेंट का, और यही बोल रहा है कि इतना सारा उस एलिमेंट का अगर इतना एटम हम ले रहे हैं उसका वेट दिया हो रहा है नहीं, 1.58 इंटू 10 टू द पावर 19 एटम्स हम लिए हैं उस एलिमेंट का, इतने सारे एटम्स का वेट क्वेश्चन दे दिया 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। एटॉमिक मास होता क्या है जी, 6.022 into 10 to the power 23 atoms का जो वेट होता है वही एटॉमिक मास कहलाता है। इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23, 1.05 into 10 to the power minus 3 by 1.58 into 10 to the power 19। इसका आप कैलकुलेशन करो। देखो ये दोनों कैलकुलेट, ये दोनों तो हमारा ये 10 टू द पावर 23 और माइनस 3 10 टू द पावर 20 हो गया, 19 के साथ कैंसिल होकर 10 बच गया यहाँ पर, नहीं 10 बचा ना। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 6.022 इंटू 1.05 इंटू 10 बाई 1.58, नहीं लगभग ये 1.6 इसको बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 1.58 को 1.6 बोल सकते हैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग 64 आ जाएगा। ये तुम्हारा लगभग 1.6 इंटू 10 कर दिया, तो 4 नहीं, ये तुम्हारा इस तीनों का ये दोनों 6.4 इंटू 10 एंड 64 हो गया, ये हटा दे रहे हैं या फिर 6.4 इसको लिख दो इंटू 10 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 40 के करीब पहुंचेगा, मतलब उसका एटॉमिक मास जो है ना 40 आ जाएगा।
चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए ना। सुधांशु रंजन यस सर कहाँ थे लेट क्यों हो गया? चेन्नई था जी। जिया जिया आवाज पहुंच रहा है? यस सर। लेट क्यों हो गई? 6:30 से क्लास था ना सर। मैं बस मीटिंग आईडी नहीं था इसकी वजह से। अच्छा सर। गुड मॉर्निंग सुजल कुमार। सुजल यस सर आवाज पहुंच रहा है ना? यस सर। लेट क्यों हो गया सर? थोड़ा बाहर गए हुए थे। अच्छा सुकर सर। यस सर। लेट हो गया तुम सर? वो मैम अभी भेजी मेरे को आईडी और पासवर्ड, मेरे पास वो जो था उस पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा स्वर्णिम श्रे। यस सर। लेट होने का रीजन? सर नेट थोड़ा स्लो चल रहा था। अच्छा चलो एक क्वेश्चन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 कमा दो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 कमा दो फिर लिखो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड पहले स्टॉप। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट चल इसको सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना CO2 का वेट दिया हुआ है 200 मिलीग्राम है ना। 200 इंटू 10 to the power -3 ग्राम हो गया ये वेट बाय मॉलिकुलर वेट। CO2 मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा 44। कार्बन का तुम्हारा 12 और ऑक्सीजन का 16 या 32 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 हो गया। देखो ये मोल हो गया तुम्हारा
इतना मोल हम CO2 का लिए थे, उस मोल में से कुछ मॉलिक्यूल हटाया है 10^21। तो देखो दोनों का यूनिट तो अलग अलग है, ये मोल है ये मॉलिक्यूल है, कैसे माइनस कर सकते हैं? दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, जब भी किसी का एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो ना, सबका यूनिट क्या करते हैं हम लोग, सेम करते हैं। तो ये मोल है तो इसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताए थे एक फॉर्मूला लिखे थे, जब नंबर ऑफ एटम दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तो उसमें वाइटो नंबर से डिविजन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आता है। 6.022 लिखो या फिर 6 × भी लिख सकते हो 10^23, उतना लंबा नहीं लिख करके शॉर्ट में भी इसे लिखा जा सकता है। 6.022 जो होता है ना उसको 6 भी लिख सकते हैं, 6 × 10^23। ये देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवीजन कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नहीं इतना मोल्स हटा दिया गया, इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव करने का मतलब उसका यूनिट हम चेंज कर दिया, इतना मॉलिक्यूल्स जो था ना उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, इतना मोल हटा दिए। तो इतना मोल हम लिए थे, इतना मोल हम माइनस कर हटा दिए, तो इसमें से इसको अगर माइनस अगर कर दें यही ना बचा हुआ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा जी, यही नंबर ऑफ मोल्स तो बच गया है। वही पूछ रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, कितना मोल CO2 बच गया है ये बताइए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.00288। तो कैलकुलेशन मिलेगा नहीं, फिजिकल में बहुत कैलकुलेशन है, करना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और ये वाला आंसर आएगा तुम्हारा। चलो नोट कर दो, दोनों का यूनिट हम सेम कर दिए, सर 200 मिलीग्राम था तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में होता है सब, 200 मिलीग्राम को ग्राम, और नीचे में मॉलिक्यूलर मास जो डिवीजन कर भी ग्राम, यूनिट सबका सेम हो गया। चलो हो गया। अब देखो हम लोग को आज छोटा मोटा जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने अब आ गया है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना शुरू हो गया है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे तो मोल कितना आएगा, उसमें वाटर नंबर से डिवीजन कर देंगे, वेट अगर दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास से डिवीजन करेंगे तब भी मोल आ जाएगा। नहीं अब हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, अभी तक तो इक्वेशन नहीं दिया था लेकिन अब तुम्हारा इक्वेशन छोटा मोटा इक्वेशन उसी को बाद में जो है धीरे धीरे बड़ा इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इक्वेशन में इसको लेके चलते हैं कि भाई इस मोल को इक्वेशन अगर दिया हुआ, रिएक्शन अगर कोई दिया हुआ हो तो उसमें कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो एक आध स्टेटमेंट है तुम्हारा, नहीं एक स्टेटमेंट है, पहला तुम्हारा गे-लुसाक GAY LUSSE गे-लुसाक लॉ गैसियस वॉल्यूम, हेडिंग डाल दो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब हम लोग धीरे धीरे वो जो मोल जो निकाले ना वो तो सिर्फ दे रहा था कि भाई ये CO2 है तो इसका इतना वेट है, तो मोल निकाली तो मोल निकालते थे, CO2 का मॉलिक्यूल दे दिया, एवोगाड्रो नंबर से डिवीजन कर दिया तब जाके मोल निकला। अब हम इक्वेशन में उसी मोल की यूज करना चाह रहे हैं, नहीं कोई रिएक्शन अगर दिया हुआ हो, इस मान लेते यही रिएक्शन है N2 नाइट्रोजन + हाइड्रोजन N2 + 3H2 ना, और ये देखो ये दोनों कंबाइन हुआ क्या बन गया तुम्हारा, अमोनिया बन गया। किसी भी रिएक्शन में जो है ना इसका जो स्टेटमेंट जो था गे-लुसाक लॉ का ना, इसका स्टेटमेंट था किसी भी रिएक्शन में, देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, माने कहने का मतलब इसका 1 वॉल्यूम जो है, यहाँ कोफिशिएंट देखो कितना है 3 है, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2 है,
टू वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेगा, वॉल्यूम नहीं ml बोल सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट कंबाइन होता है, जैसे नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, यहाँ देखो प्रोडक्ट का 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम होता है, जो भी कॉम्बिनेशन हो या फिर जिसका फॉर्मेशन हो, जिसका अमोनिया बन रहा है, सिंपल रेशियो माने फ्रैक्शनल वैल्यू ये नहीं हो सकता है, नहीं इंटीजर वाला वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। वही एक स्टेटमेंट है, लिखो इन एनी केमिकल रिएक्शन, गे-लुसाक लॉ के बारे में लिखो, तो इन एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट कंबाइन, द रिएक्टेंट कंबाइन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म, द रिएक्टेंट कंबाइन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म, द रिएक्टेंट कंबाइन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। जो भी रिएक्टेंट कंबाइन होने जा रहा है या फिर प्रोडक्ट जो फॉर्म करने जा रहा है, नहीं सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होता है, मानी कि 1:3 का वॉल्यूम, देखो ये तुम्हारा 2 मोल का 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेगा। चलो ये वाला नोट कर लो, लिख लिए हमें ये जो है ना कोफिशिएंट के हिसाब से, मतलब नाइट्रोजन का अगर 1 वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम हमको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर दोनों एक दूसरे को पूरा कंबाइन करके 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके नीचे तुमको लिखना है एवोगाड्रो लॉज, मैं यहाँ लिख देते हैं, GADRO एवोगाड्रो लॉज। एवोगाड्रो लॉ कर दो, लिखो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एवोगाड्रो लॉ हेडिंग डालो, हो गया। लिखो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स equal volume of all the gases contains equal number of molecules, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, नहीं इसी को हम ऊपर में अटैच कर देते हैं। एवोगाड्रो लॉ का मतलब था, इस मान लेते हैं इक्वल अगर वॉल्यूम है, मान लेते कोई वेसल है उसमें नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है जो भी मान लेते हैं ये सब गैस सब है, अगर सबका प्रेशर टेम्परेचर का सेम हुआ, जितना नाइट्रोजन का प्रेशर टेम्परेचर उतना ही हाइड्रोजन का उतना ही अमोनिया का हो, इक्वल वॉल्यूम, जैसे 1 वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मान लेते हैं एन मॉलिक्यूल्स अगर है, 3 वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा तुम्हारा 3N मॉलिक्यूल्स। इसी क्वेश्चन में ऐड करते हैं, 2 वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा
2N molecules. समझ में रहा है? मान लेते हैं वन वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग, नहीं इतना मॉलिक्यूल्स, वन वॉल्यूम का मतलब कि 1 ml तुम ले सकते हो, 1 ml, ये 3 ml बोल सकते हो, ये 2 ml, तो 1 ml कोरस्पॉन्डिंग n, एक अगर 1 ml अगर लिए है नाइट्रोजन, मान लीजिए कि n अगर मॉलिक्यूल्स है, 3 ml कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा. बताया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग इक्वल मॉलिक्यूल होगा. तो मानते हैं कि वन वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग एन मॉलिक्यूल है, तो 3 वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 3n, 2 वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग 2n. अब देखो सब में अगर हम एवोकाडो नंबर से अगर डिवीजन अगर करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एवोकाडो नंबर से डिवीजन आ जाए, देखो यहाँ भी सब में हम डिवीजन कर रहे हैं एवोकाडो, एन एस रिप्रेजेंट कर रही, इतना मोल हो गया. ये देखो 2n बाई n ने हम कर दिए, ये भी क्या हो गया, मोल हो गया. इसको अगर हम 1 mole अगर बोले, n बाई n ने को अगर हम 1 mole अगर बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, 3 mole हो जाएगा, 3n बाई n ने हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 mole हो जाएगा. चलो यहाँ तक पहले लिखो, तो फिर इसको समझाते हैं, जहां से ऊपर से नीचे तक, नीचे तक लिखो. ठीक है, चलो हो गया. यस सर, लिख लिया, लिख लिए. अब देखो इतना लंबा कहानी जो है ना, सब पे हटा रहे हैं इसको, इतना लंबा कहानी अपने काम का नहीं है ना, सबसे नीचे वाला जो लाइन है बस वही अपने काम का है ना. हम लोग को ऐसा इक्वेशन देगा, नहीं इस टाइप का इक्वेशन देगा, N2+3H2, नहीं, और ये क्या बन गया तुम्हारा, 2 moles ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया. तो सबसे नीचे में क्या लिखे थे, 1 mole लिखे थे यहाँ पर ना, और ये देखो ये तुम्हारा 3 mole हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, 2 mole का फॉर्मेशन हुआ. यही अपने काम का है, माने देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, इस कोफिशिएंट के हिसाब से डिसाइड करना है. 1 mole नाइट्रोजन कंबाइंस, ये देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 3 है, 3H2 लिखा हुआ ना, माने 3 moles ऑफ हाइड्रोजन होगा, और ये अमोनिया है, कितना मोल्स ये फॉर्म किया, 2 moles अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ. कोई भी इक्वेशन अगर दे ना, तो इस कोफिशिएंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, माने कि वो किसी भेसल में, इसे समझो किसी भेसल में 1 mole नाइट्रोजन रखा हुआ है, तो वहां पर हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा जी, 3 moles लेंगे. अब तीन दोनों जब मिलाएंगे ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों समाप्त हो जाएगा, और उस भेसल में जब मिलेगा तुम्हारा क्या, 2 moles ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा.
क्वेश्चन में बोलेगा कि चलो भाई 5 moles ऑफ अगर हम नाइट्रोजन ले लें, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है ना, तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, देखो 1:3 का मोलर रेशियो है, तो 5 moles लेंगे तो ये कितना मोल लेना पड़ेगा हमको, 15 moles लेना पड़ेगा, और ये कितना फॉर्म कर जाएगा तुम्हारा, 10 moles का फॉर्मेशन होगा, नहीं यानी कि 5 moles और ये 15 moles लेंगे, 1:3 का मोलर रेशियो, 1:3 का मोलर रेशियो तो निश्चित है, 1:2 बना था तो निश्चित है 5:3 ये कितना बनेगा तुम्हारा, 10 moles का। इसी में क्वेश्चन जो है ना बोलेगा कि 5 moles ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 15 moles ऑफ हाइड्रोजन, अब 15 नहीं बोलता है, ठीक है ना, दोनों नहीं देगा क्वेश्चन में, बोलेगा कंबाइंस विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है, सफिशियंट जो आपको 5:15 जो ना 15 होना चाहिए, तुमको अब सोच लेना है, क्वेश्चन में नहीं देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि 5 moles ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जितना होना चाहिए इस 5:15 में है वहां पर, 15 mole है, तो पूछेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल यू फॉर्म, अमोनिया कितना बन जाएगा तुम्हारा, 10 mole का फॉर्मेशन होगा, समझ में आया, चलो इसको भी नोट करो, यही मोल का रिलेशन है हम लोग का, कभी भी ऐसा मत बोलना कि 1 gram ऑफ नाइट्रोजन कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ ग्राम लगा दी, ग्राम का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ग्राम में हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं मोल का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, कि 1 mole ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 moles ऑफ अमोनिया, ये माने कोफिशिएंट वाला रिलेशनशिप जो है ना हर एक इक्वेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोफिशिएंट देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे, चलो नोट कर इसको, हो गया, पानी दो ना, हो गया जी, चलो क्वेश्चन लिखो, किसी भी इक्वेशन में मोल का रिलेशनशिप है ये, यानी यही इक्वेशन अगर हो, इक्वेशन तो हर टाइप का बहुत सारा आएगा धीरे धीरे ना, यही अगर इक्वेशन अगर हुआ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का माइनर अमोनिया बन रहा है, यहाँ कोफिशिएंट को ध्यान देंगे, देखो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ लिखे हैं 1 mole, यहाँ कोफिशिएंट क्या 3 है, यहाँ 3 mole, और अमोनिया के पीछे कितना कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, 2 mole, नहीं ये 1 mole ऑफ नाइट्रोजन, अब इसी में क्या करेगा ना, 1:3 का मोलर रेशियो होना चाहिए, मान लो तो क्वेश्चन बोला कि 10 mole नाइट्रोजन हम एक वेसल में क्या किए ना 10 moles ऑफ नाइट्रोजन लिए, कंबाइंस विद 30 moles ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्यों दोनों वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन है ना, ये हर वैल्यू क्यों देगा, फिर क्वेश्चन में भेक बना के रखता है सब, नहीं तो कोई एक वैल्यू देगा, दूसरे कोरस्पॉन्डिंग जो 30 हुआ ना, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 30 mole होना चाहिए, तो क्वेश्चन में क्या करेगा, बोलेगा सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 10 moles ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मान 10 के कोरस्पॉन्डिंग 30 होना चाहिए वो है वहां पर, तो पूछेगा अमोनिया कितना बनेगा भाई, यहाँ देखो 1 है तो 2 moles, तो 10 होगा तो कितना हो जाएगा 20 mole का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब क्वेश्चन जो है अब देखो यही अब 5 moles था ये तुम्हारा 15 mole 10 mole बना, अब क्वेश्चन मोल नहीं पूछ करके इसका वेट पूछ दिया,
ये अगर हम 5 मोल अगर लेंगे तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल यू फॉर्म कंबाइन विद सफिशियंट, जो होना चाहिए था है यहाँ पर 15 मोल है ये, देगा नहीं, वो बोलेगा कंबाइन विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, 15 मोल होना चाहिए है वहां पर, पूछेगा हाउ मेनी ग्राम्स। देखो मोल निकल गया, देखो मोल का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जी, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू 1 आ जाए, 1 यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो वेट कितना हो जाएगा, देखो मॉलिकुलर मास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हम लोग का कितना निकल जाएगा जी, वेट हो जाएगा मॉलिकुलर वेट के बराबर वेट, यानी कि 1 मोल कोई भी गैस हो ना, देखो यहाँ पर 1 मोल, यहाँ 1 हम पुट किए हैं तो वेट कितना हो गया 1 इंटू मॉलिकुलर मास, यानी कि मॉलिकुलर मास के बराबर वेट किसके बराबर होता है, मॉलिकुलर मास के बराबर वेट होता है। 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वेट कितना होगा, मॉलिकुलर मास के बराबर वेट होगा। देखो 10 मोल है तो 1 मोल होता तो मॉलिकुलर मास अमोनिया कितना होता, 17 ग्राम, अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना 17, 10 मोल है तो 10 इंटू 17 यानी कि 170 ग्राम हो गया। बाद में अपना कन्वर्ट कर देंगे जिस यूनिट पूछे, रिलेशनशिप तो मोल का है, मोल वाला पहले रिलेशनशिप लिख देंगे, नहीं 10 मोल नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कि भाई आप मोल मत बताइए कितना ग्राम बनाइए, तो जिसका भी मोल जब हमको पता चल गया तो मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल कोरस्पॉन्डिंग वेट कितना होता है मॉलिकुलर मास, तो 10 मोल कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 10 इंटू 17 यानी कि मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दे 110 ग्राम, यानी कि ये अगर हम 5 मोल्स अगर लेंगे ये कितना बनेगा तुम्हारा 170 ग्राम फॉर्म कर जाएगा। चलो मैंने क्वेश्चन लिखवा, हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे सीखते हैं, छोटा मोटा इक्वेशन है सर। देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मोल्स अमोनिया माने NH3 प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.5 मोल्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन, आवाज नहीं आ रहा है, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा खराब था, विंडो भी ओपन कर दो तो अब आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है, आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन फिर से लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया रखा, अभी तुम क्यों आए सर? लेट हमको लिंक का व्हाट्सएप चेक नहीं किए थे, लेट इंफॉर्मेशन मिला लिंक का। अरे तो शेड्यूल आ जाता है उसमें देख लेंगे ना कब कब क्लास है, When 2.5 moles of N2 nitrogen react with sufficient amount of hydrogen
2.5 moles of N2 nitrogen react with sufficient amount of hydrogen. और ये वाला रिएक्शन नोट करो उसके नीचे, ये रिएक्शन लिख दिए है। आंसर बताना है 5 मोल है आंसर। 5 मोल, वेरी गुड, तेज तेज बच्चा है जी। नहीं देखो क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, नाइट्रोजन के पीछे कितना कोफिशिएंट है, 1 है, यानी कि बोलेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन कितना है जी, 3 मोल्स हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा अमोनिया, कितना फॉर्म करेगा, 2 मोल्स। तो बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, देखो ये अमोनिया कितना बनेगा, प्रोड्यूस 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2.5 मोल्स। देखो ये नाइट्रोजन कितना है, 2.5 मोल्स है, रिएक्ट विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कि इसके 3 टाइम्स होना चाहिए, वो है यहाँ पर 7.5 मोल है, क्वेश्चन में दोनों वैल्यू नहीं देगा। तो देखो ये 1 मोल है, ये 2 मोल बना, 2.5 है तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 5 मोल्स, यही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में पूछता कि हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता, तो 7.5 मोल्स, 3 टाइम्स इससे ज्यादा, 1:3 का मोलर रेशियो होता है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 मोल्स हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, कोफिशिएंट के हिसाब से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl3, PCl3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl3 का मतलब फॉस्फोरस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यहां लिख दिए हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl3 required to produce 10.5 moles of PCl5, और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ इक्वेशन हम लिख दिए हैं, PCl3 प्लस Cl2 प्रोडक्ट क्या बन गया, PCl5 बन गया, फॉस्फोरस पेंटोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ताकि प्रोड्यूस करे कितना, 10.5 मोल्स PCl5, नहीं तो देखो यहाँ 1 मोल है तो ये 1 मोल होना चाहिए, 10.5 है तो ये भी 10.5 ही मोल होना चाहिए, यही आंसर हो गया। और क्लोरीन का पूछता तो भी 10.5 होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, what amount of chlorine Cl2 in gram is required to produce 3 moles of HCl, required to produce 3 moles of HCl, और ये इक्वेशन दे दिया, H2 plus Cl2 प्रोडक्ट बन गया 2HCl। इक्वेशन लिख दिया, सबको इधर देखो, इक्वेशन लिखा हुआ है, देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है जी, H2 का कितना कोफिशिएंट है, 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मोल, 1 मोल,
देखो कौन कौन बच्चा जी अभी आरोही 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 यस सर इतना लेट कैसे ज्वाइन की तो 6:30 से क्लास था ना सर मेरे को पता नहीं था पता नहीं था शेड्यूल नहीं देखती है शेड्यूल देखना चाहिए तनय कुमार तनय ये क्या काहे लेट से जुड़े भाई वो चेक नहीं किया था तो व्हाट्सएप चेक नहीं किया था तो जब मंडे के दिन जो है ना शाम तक शेड्यूल आ जाता पूरे वीक का तो अपना देख लेंगे जिस बैच में नहीं कमिट बैच में मेरा इसी दिन क्लास है नहीं उस क्लास को लेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होता है सबको बोल रहे हैं मंडे के दिन जो है ना रात के 9 बजे तक कल तो दिने में आ गया था 12-1 बजे आ गया था नहीं रात 9 बजे तक तो आना ही है और उससे ट्यूजडे से लेके हम लोग का संडे तक क्लास चलता है मंडे को टीचर का छुट्टी रहता है एक दिन टीचर को छुट्टी चाहिए पूरा कोचिंग इंडस्ट्री में है ना मंडे को ही छुट्टी रहता है तो मंडे के दिन रात तक आ जाता ट्यूजडे से लेकर संडे तक अपना पता कर लेंगे भाई हमको किस दिन क्लास कौन सा सब्जेक्ट है सब देख लेंगे इसलिए क्लास एकदम टाइम से क्लास शुरू होता है 6:30 का मतलब कि तुमको 6:25 में है ना कनेक्ट अपना करना शुरू कर देना है नहीं कोशिश तो 6:15 से ही करना है 6:15 से नहीं अगर हम तो नहीं जुड़ेगा लेकिन मैडम को फोन करके वहां से अपना पासवर्ड आईडी सब ले लिए नहीं तो पता लग जाता है कि भाई 6:30 तक कनेक्ट होना है हमको चलिए देखो H2 जो है ना 96 ग्राम तो नहीं है आंसर थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन 213 ग्राम यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना जो भी लोग नया लोग जुड़ा है क्या करेंगे देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना यहाँ देखो कोफिशिएंट कितना है 1 तो यहाँ 1 मोल लिखेंगे यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है 1 क्लोरीन के पीछे भी कितना है जी सब कोई देखेगा 1 मोल और यहाँ कितना है ये 2 मोल है मैंने बोल सकते हैं क्या कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ HCl अब देखो क्या निकालना है व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोरीन ये क्लोरीन का वेट निकालना है हमको ग्राम में निकालना है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ये देखो ये 3 मोल्स HCl बनना चाहिए ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है तो देखो ये 1 मोल है तो 2 मोल बनेगा 2 मोल बनाने के लिए 1 मोल क्लोरीन होना चाहिए नहीं 2 मोल अगर हमको HCl बनाना है आधा क्लोरीन लेना 1 मोल लेना पड़ेगा तो 3 मोल से ये कितना हो जाएगा 3/2 मोल जब निकल गया अभी जस्ट बताए हैं नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट याद आ रहा है नहीं अभी जस्ट बताए थे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो गया यहाँ अगर 1 अगर पुट कर दिए तो वेट किसके बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट हो जाएगा नहीं तो अगर 3/2 है तो 3/2 मोल 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना 71 होता है 3/2 मोल का मतलब 3/2 × 71 फॉर्मूला पुट कर दो देखो ये मोल का वैल्यू कितना है 3/2 वेट हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास कितना है तो 71 ये फॉर्मूला में भी पुट करोगे यहाँ से वेट निकल गया यहाँ ग्राम निकल गया एक मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट तो 3/2 मोल का मतलब क्या हो गया 3/2 × मॉलिक्यूलर मास यानी कि 106.5 ग्राम आएगा आंसर चलो नोट कर लो सबको सर बोलो सर क्वेश्चन में हमेशा इक्वेशन दिया हुआ रहता है हाँ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा लेकिन बाद में जो है ना धीरे धीरे हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इक्वेशन नहीं भी रहेगा तो एक दूसरा मेथड है ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सीखेंगे धीरे धीरे जी सर ग्राम इक्विवेलेंट ही पढ़ना है फ्यूचर में हम लोग इस चैप्टर में
मूल धीरे धीरे हट जाएगा, जानना चाहिए लेकिन इसका एप्लीकेशन घट जाएगा, न के बराबर वही ग्राम इक्विवेलेंट। देखो यहाँ इक्वेशन में लिखे ना हम लोग वन मोल, ये देखो ये टू मोल, ग्राम इक्विवेलेंट से बनाते ना हम लोग, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, माने कि ये जितना ग्राम इक्विवेलेंट है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl, हर इक्वेशन इसको यूज करना है, उसको मोल से कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से बनाते सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस उसको बोला जाता है, तो क्या उसका कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, नहीं लेकिन मोल में मतलब है। मोल में तो भाई यहाँ देखो कोफिशिएंट टू था तो यहाँ दो मोल लिखे हैं, यहाँ कोफिशिएंट वन था तो यहाँ वन लिखे हैं, यहाँ भी कोफिशिएंट वन था तो वन लिखे हैं। इन ग्राम इक्विवेलेंट में अगर ये वन ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी वन ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी वन, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना, बस साधारण इक्वेशन है। इन मोल में इक्वेशन बैलेंस करना होगा, नहीं सब सीखेंगे धीरे धीरे, फिर उसको कोफिशिएंट से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। व्हाट अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3 इन ग्राम, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3 इन ग्राम विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 6.5 mole of hydrogen H2, 6.5 mole of H2 hydrogen react with sufficient amount of nitrogen, 6.5 mole of H2 यानी कि hydrogen react with sufficient amount of N2 यानी कि nitrogen, और ये equation दिया हुआ है, थोड़ा सा तुम लोग attempt करो। सर 442 क्यों गलत कर रहे हो? वेरी गुड, 73.6 ग्राम सही है। देखो इधर सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी इक्वेशन ऐसा दे, देखो यहाँ कोफिशिएंट वन है तो बोलेंगे वन मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 moles ऑफ अमोनिया, ये लिखते हैं। अब कौन सा गिवन है, व्हाट वैल्यू ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वेट पूछ रहा है जी, इसको टिक कर देंगे इन ग्राम, इस ग्राम में बताइए। विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 6.5 मोल ऑफ H2, देखो ये वाला वैल्यू जो है ना 6.5 मोल तुम्हारा दिया हुआ है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जितना होना चाहिए है वहां पर। देखो ये 3 मोल है, ये 2 मोल बन रहा है, इसे लिख दो 3 मोल अगर हाइड्रोजन है, 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन 6.5 मोल हो जाता है, ये क्या करेंगे यूनिटरी मेथड से 13/3 मोल हो जाएगा, अमोनिया कितना हो जाएगा जी 13/3 मोल अमोनिया बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मोल में मत बताइए अमोनिया कितना बनेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप वेट बताइए, अभी तो जस्ट बताए किए हैं कि 1 मोल होता तो मॉलिकुलर मास के बराबर वेट, 13/3 है और मॉलिकुलर मास कितना 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम निकल जाएगा।
ये ना फॉर्मूला होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 13/3 है, इक्वल टू वेट बाय मॉलिकुलर मास कितना है, 17 अमोनिया का. यहाँ से वेट निकल जाएगा, यही यहाँ आया हुआ है, ये गुना भागा करोगे 73.66 ग्राम आएगा. चलो नोट करो. सर 13/3 कैसे हुआ सर? यूनिटरी मेथड से 3 रुपए में समझो दो गो लड्डू मिल रहा है. यहाँ देखो 3 मोल्स है तो 2 मोल्स ये बन रहा है, 6.5 मोल होगा तो कितना हो जाएगा जी, 13/3. चलो हुआ. जिया समझ में आया कि नहीं? यस सर आया. पिछला क्लास तो तुम अब्सेंट थी ना? सर उस टाइम एडमिशन नहीं लिए थे. अच्छा अच्छा, तो पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग मिला होगा तुमको? हाँ सर मिला है. हाँ उसको देख लेंगे. सुजल कुमार, सुजल समझ में आया कि नहीं? सुजल कुमार सुकर्ण. यस सर. समझ में आया? यस सर आ गया. स्वर्णिम श्री. यस सर आ गया. तन्मय. यस सर. चलो ठीक है. अंकित. अंकित कुमार समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आ गया. ठीक है. राहुल कुमार. यस सर समझ में आ गया. ठीक है वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. नहीं अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं. बस यही काम करना है, जब भी कोई इक्वेशन देना तो पहले मोल का रिलेशनशिप निकाल लेंगे. अब मोल का जब रिलेशनशिप आ गया तो जो पूछेगा ना उससे हम लोग बात करेंगे. नहीं ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट मास ऑफ H2 हाइड्रोजन. What mass of H2 hydrogen required to produce? What mass of H2 hydrogen required to produce? Required to produce 17 gram of ammonia. 17 gram of ammonia. और यही इक्वेशन दिया हुआ है. चलो बना तो हाइड्रोजन का मास निकालना है. सर 25.5 ग्राम. 3 ग्राम. 3 ग्राम वेरी गुड. कौन बच्चा बोला जी 3 ग्राम? सर राहुल. कौन बोला? राहुल. राहुल. वाह वेरी गुड. राहुल सबसे तेज बच्चा. देखो क्या करेंगे ना, सबसे पहला सब लोग देखो इधर बोर्ड देखो, सबको ये इक्वेशन दिया हुआ है ना. सबसे पहले मोल का रिलेशनशिप, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ना. यहाँ कोफिशिएंट 3 है,
थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये कितना फॉर्म करेगा, टू मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये तो लिख लिया, सबसे पहला काम ये करना। अब उसके बाद देखो क्या, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो इस पर टिक कर दिए, इसका मास निकालना है हमको, तो प्रोड्यूस 17, ये देखो ये 17 ग्राम है, नहीं ये बनना चाहिए अमोनिया कितना 17 ग्राम बनना चाहिए। अब देखो वेट जब दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है जी, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट कितना है 17 ग्राम है। अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना है, ये NH3 लिखोगे, कभी भी इस कोफिशिएंट के चक्कर में मत फंसना, कोफिशिएंट इस रिलेशन के इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए है। अब अमोनिया का वेट अगर दे दिया 17 ग्राम तो अमोनिया का मॉलिकुलर मास 17, यानी कि 1 मोल है ये, नहीं यानी 17 ग्राम का मतलब कि 1 मोल अमोनिया बनाना है। ये देखो 2 मोल अगर अमोनिया बनाना होता तो ये 3 मोल से लेना पड़ता हमको, माने 1.5 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 2 मोल अगर अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल से, यहाँ इक्वेशन से। अगर 1 मोल अगर हमको बनाना हो तो देखो ये 3/2 मोल हो जाएगा, नहीं 2 मोल बनाना है तो ये 3 मोल, माने 1.5 टाइम्स ज्यादा, 1 मोल बनाना है तो 1.5 मोल। जब इसका मोल जब निकल गया, देखो ये मोल निकल गया है, नहीं फॉर्मूला में मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा, तो मोल जब निकल गया और यहाँ फॉर्मूला है, देखो यहाँ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, देखो मॉलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया, यानी कि 3 ग्राम, यही आंसर हो गया। चलो नोट कर लो सब कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए। देखो एक एक जो है ना, एक और हटा रहे हैं, एक और फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, नहीं आता है गैसियस स्टेट मिलेगा तुमको। देखो एक होता है तुम्हारा, मान ले तो कोई गैस है, नहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी गैस है, इस गैस का प्रेशर मान लेते हैं 1 atm है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेयर जो हम पर प्रेशर लगाता है 1 atm, और मान लेते इस गैस का टेम्परेचर नहीं होता 273 केल्विन। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर गैस का जो है ना कुछ वॉल्यूम होगा, इस प्रेशर 1 atm और 0 degree centigrade, नहीं तो 273 केल्विन भी इसको बोल सकते हैं। गैसियस स्टेट में आएगा, एक चैप्टर है तुम्हारा गैसियस स्टेट ना, वहां से एक फॉर्मूला आता है PV=nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है पढ़ेंगे। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर गैस का जो भी वॉल्यूम आएगा ना, इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम एट STP। STP का पूरा नाम हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 degree हो गया, प्रेशर कहने का तो 1 atm हो गया। इस प्रेशर और टेम्परेचर पर जो गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, उसको वॉल्यूम एट STP रहता है ना। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला आता है वॉल्यूम एट STP बाई, अगर ये वॉल्यूम ml में है, इन ml अगर है, लीटर में दे सकता है,
ml हो तो उसमें 22,400 से डिवीजन करते हैं। अगर ये लीटर में हो वॉल में STP पर, इसमें 22.4 से डिवीजन करते हैं। ये STP या फिर NTP भी बोला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ही बोलते हैं, दोनों सेम वर्ड है। कभी कभी STP लिखेगा, कभी कभी NTP लिखेगा। और ये वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा या फिर निकालना रहेगा, जो भी निकालना हो ना, ठीक है। तो वॉल्यूम एट STP इसमें 22,400, अगर ये ml में है तो 22,400, और अगर ये लीटर में वॉल्यूम अगर दिया हुआ तो 22.4 से डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इस हम लोग का वेट दिया रहता है तो मॉलिकुलर मास से डिवीजन करते हैं तो मोल आ जाता है। नंबर ऑफ मोल का क्या, वेट बाई मॉलिकुलर मास। उसी टाइप से वॉल्यूम STP पर देगा, उसमें 22,400 या फिर 22.4 लीटर से डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। जल्दी से इसको लिख लो, ये वाला एक मोल का फॉर्मूला आ गया। चल हो गया। कैसे हम लोग बोलते थे, एक फॉर्मूला भी लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है जी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू अगर 1 अगर कर दें तो वेट क्या हो जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि वेट जो है ना मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हुआ तब, एक मोल अगर कोई भी गैस हो, 1 मोल कोई भी गैस हो, तो उसका वेट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट होता है। जैसे 1 मोल अगर हाइड्रोजन है तो उसका वेट किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 2 ग्राम होता है। यानी कि कोई बोलेगा कि भाई वेसल के अंदर में है ना 1 मोल हम हाइड्रोजन रखे हैं, तो दूसरा बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम हाइड्रोजन है वहां पर, दोनों सेम ही चीज बोल रहा है। बोलते हैं नाइट्रोजन, बोले कोई बोलेगा वेसल के अंदर में 1 मोल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, तो 1 मोल का मतलब मॉलिकुलर मास यानी कि 28 ग्राम हो गया। तो एक आदमी बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा कि भाई इस वेसल में 1 मोल नाइट्रोजन है, तो दूसरा बोलेगा 28 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस है, इस अमोनिया ही है, तो अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 17 होता है, 17 ग्राम। तो कोई बोलेगा कि भाई वेसल के अंदर में 1 मोल अमोनिया है, कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त आएगा कहेगा नहीं इसमें 17 ग्राम अमोनिया है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम वर्ड बोल रहा है। 1 मोल का जो वेट होता है ना मॉलिकुलर मास के बराबर वेट होता है। उसी टाइप से इस फॉर्मूला में अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मोल का वैल्यू अगर 1 अगर पुट कर दें, नहीं तो वॉल्यूम एट STP हो जाएगा बाय 22.4, अगर लीटर में अगर होता तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, 22.4 लीटर हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम एट STP 1 मोल कोरस्पॉन्डिंग कितना होता है, 22.4 लीटर। माने 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम STP पे कितना होगा, 22.4 लीटर। इस मान लेते वेसल के अंदर में 1 मोल हाइड्रोजन रखा है H2, तो एक दोस्त जाकर बोलेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन है वेसल में, दूसरा दोस्त बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन उस वेसल में, अब तीसरा दोस्त बोलेगा
कि 22.4 लीटर वॉल्यूम एसटीपी पर रखा हुआ है गैस का इस वेसल के अंदर, इस वेसल के अंदर में 22.4 लीटर गैस है ना एसटीपी पर रखा हुआ। तीनों सेम ही चीज बोल रहा है, वन मोल का मतलब ही होता है वॉल्यूम एट एसटीपी, नहीं वन मोल जो होता है वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है गैस का एसटीपी पर, 22.4 लीटर होता है। यानी कि कोई बोलेगा वन मोल हाइड्रोजन है, कोई दूसरा बोलेगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तीसरा बोलेगा 22.4 लीटर एसटीपी पर गैस रखा गया है, इतना लीटर 22.4 लीटर है ना वॉल्यूम उस गैस का एसटीपी पर, इन्होंने एक ही चीज बोल रहा है। वन मोल का मतलब ही होता है 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी, हाइड्रोजन नहीं कोई भी गैस, क्लोरीन अगर कहीं वेसल में रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई दोस्त बोला कि अरे भाई उस वेसल के अंदर में 1 मोल क्लोरीन है, कोई दूसरा दोस्त जाके बोलेगा मॉलिक्यूलर मास 71 होता है क्लोरीन का, कोई दूसरा दोस्त बोलेगा कि भाई उसमें 71 ग्राम क्लोरीन है, तो कोई तीसरा दोस्त जाके बोलेगा कि अरे इसमें 22.4 लीटर, इतना लीटर जो है ना क्लोरीन गैस है एसटीपी पर रखा हुआ, तीनों एक ही चीज बोल रहा है नहीं। चलो बोर्ड पर जो लिखा हुआ लिख लिया सब कोई, यानी कि 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होगा जी एसटीपी पर 22.4 लीटर, 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा 22.4 लीटर। चलो अब इस पर क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 हाइड्रोजन, हटा रहे हैं इसको बोर्ड वाला जो है ना हटा रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन एट एसटीपी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 हाइड्रोजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड, एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड, एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन H2, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन H2 एट एसटीपी, एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ HCl, 5 मोल्स ऑफ HCl, 5 मोल्स ऑफ HCl। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन लिख दिए, उस इक्वेशन का यूज करो सॉल्व करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोल का रिलेशनशिप 56 लीटर, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये हाइड्रोजन कितना है 1 मोल है, क्लोरीन कितना है जी 1 मोल है, HCl कितना है 2 मोल है, मोल का रिलेशनशिप लिख लिया। अब देखो क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2, H2 के बारे में पूछ रहा है, इस पर टिक कर दिए। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, देखो ये 5 मोल बनना चाहिए, HCl कितना बनना चाहिए 5 मोल्स। देखो अगर 2 मोल अगर प्रोड्यूस करना हो तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 1 मोल, आधा होना चाहिए, ये 5 मोल है तो ये कितना होना चाहिए जी 5/2 मोल नहीं, और 1 मोल होता है तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब जस्ट पढ़े हैं एसटीपी पर, 1 मोल कोई भी गैस हो तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4, 5/2 है तो 5/2 × 22.4 लीटर एसटीपी में वॉल्यूम, 56 लीटर। 1 लीटर कोई भी गैस हो, 1 मोल कोई भी गैस हो, वॉल्यूम कितना होता है
22.4 लीटर होता है, वन मोल कॉरस्पॉन्डिंग इतना मोल है। चाहो तो फार्मूला में पुट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है जी, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू तो 5/2 आ गया है, इसमें 22.4 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, वॉल्यूम एट एसटीपी आ गया। देखो वही वाला वैल्यू आ गया यहाँ पर फिर से, आंसर 56 लीटर आ गया। चलो हो गया, कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड, What volume of HCl will be formed at STP? Will be formed at STP if 5 grams of H2, if 5 gram of H2, यानी कि hydrogen, if 5 gram of H2 hydrogen will react with sufficient amount of chlorine, will react with sufficient amount of chlorine. और ये जो बोर्ड वाला जो इंफॉर्मेशन है इसको भी यूज करो, यही रिएक्शन है बोर्ड पर लिखा हुआ है। टू टू फोर लीटर ना, टू टू फोर लीटर ना, गड़बड़ है, 111 लीटर, 112 ना, हाँ सर 112 लीटर, सॉरी यस सर, 112 लीटर। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या निकालना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl, ये HCl का वॉल्यूम निकालना है, विल बी प्रोड्यूस फॉर्म एट एसटीपी, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, देखो ये 5 ग्राम है हाइड्रोजन, रिएक्ट विद सफिशिएंट अमाउंट जो होना चाहिए क्लोरीन का है। तो देखो वेट जब दिया हुआ है तो उसको मॉलिकुलर मास से डिवीजन कर दिए, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ये अगर वन मोल हो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स, दुगुना 5/2 मोल है तो ये दुगुना कितना हो जाएगा 5 मोल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वन मोल HCl होता है तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 5 मोल्स है 5 × 22.4 लीटर एसटीपी वॉल्यूम हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 112 लीटर एसटीपी वॉल्यूम आ जाएगा, यही निकालना था, यही आंसर हो गया। मोल से मोल का रिलेशन, क्योंकि मोल का रिलेशनशिप पता है, देखो ये वेट दिया था ना, हम इसका मोल निकालें, इस मोल से दूसरे का मोल पता किए, क्योंकि मोल का रिलेशनशिप, ये कभी मत बोलना कि 1 ग्राम है तो ये 2 ग्राम बन जाएगा, गलत है ये, मोल का रिलेशनशिप है, 1 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा,
समझ में जो बात हम बोल रहे हैं, ये मोल का रिलेशनशिप है। यहाँ मोल के जगह ग्राम मत कर देना, पहले वाला लाइन में गड़बड़ हो जाएगा सारा कहानी। हाउस मोल से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टीम को जो वॉल्यूम है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, 5 ग्राम था, देखो यहाँ 10 ग्राम हम नहीं लिखे हैं, गड़बड़ हो जाता, पहले इसको मोल में कन्वर्ट किए। नहीं, इस मोल से पड़ोसी दूसरे का मोल निकला, जब मोल निकल गया तो पूछ रहा है कि भाई मोल मत बताइए, आप बताइए कि वॉल्यूम कितना होगा एचटीवी पर। तो फिर उसका जिसमें कन्वर्ट कर बोलता है कि कितना ग्राम एचसीएल बना। तो मोल जब निकल गया तो इसको मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई कर देते तो फिर वेट निकल जाता। ये रिलेशनशिप जो है ना, ये ऊपर पहला लाइन जो लिखा हुआ है सिर्फ मोल के लिए अप्लीकेबल है, दूसरे यूनिट मत करना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 अमोनिया एट STP, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 एट STP, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP will be produced if 10 moles of N2, 10 moles of nitrogen, if 10 moles of N2 nitrogen is reacted with sufficient amount of hydrogen. नहीं, यही रिलेशनशिप है, यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करना है। चलो बना, वेरी गुड। कौन बच्चा बताया जी? अक्षत। वेरी गुड अक्षत, और लोग जल्दी बनाओ। सर 448 लीटर। वेरी गुड, कौन बच्चा बताया? प्रखर। प्रखर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है प्रखर। सब लोग अटेम्प्ट करो, सब तेज बच्चा है। देखो करना क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन जब भी देना या मोल का रिलेशनशिप लिख देना, सबसे पहला काम यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। नहीं, अब गिवन क्या है जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वॉल्यूम निकालना, देखो टिक कर दी, एट STP विल यू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये अगर 10 मोल ले, रिएक्ट विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन माने 30 मोल है, यहाँ पर दिया नहीं है क्वेश्चन में। देखो ये 1 मोल है, ये कितना बना है, 2 मोल, 10 मोल होगा ये 20 मोल फॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मोल में मत बताइए कि अमोनिया कितना मोल बनेगा, नहीं क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम STV पर निकालिए। तो 1 मोल होता है, STV वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। नहीं, 20 मोल है, 20 × 22.4 लीटर एट STP हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे 448 लीटर STP में वॉल्यूम हो जाएगा। यही निकालना था, यही आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन N2 एट STP, व्हाट वॉल्यूम ऑफ N2 नाइट्रोजन एट STP, व्हाट वॉल्यूम ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन एट STP रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, required to produce 56 liter of ammonia, required to produce 56 liter of ammonia at STP, 56 liter of ammonia at STP, और यही equation है जो ऊपर में लिखा हुआ है nitrogen hydrogen वाला, सही, इसी को use करो. सभी लोग सॉल्व करो. सर 28 लीटर. वेरी गुड, बहुत अच्छा, 28 लीटर आंसर है. यस सर. सर एनटीपी रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा. एनटीपी ठीक है. हां एसटीपी एनटीपी की चीज है सर. इसका वैल्यू सेम है 20.4 ही. हां 22.4 लीटर वैल्यू सेम है. ओ चलो सब लोग बोर्ड देखो, सब लोग बोर्ड देख रहा है. जी बोर्ड देखेंगे. संभवी बोर्ड देखना है. सुधांशु बोर्ड देखना है. सबको सुकर्ण बोर्ड देखेंगे. देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन दिया मोल का रिलेशनशिप लिखा हुआ, लिख लेंगे नहीं दिया हुआ है. अब बोल रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ N2, देखो इसके बारे में पूछ रहा है, इसको हम टिक कर दिए. देखो एट STP इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 56 लीटर ऑफ अमोनिया. ये 56 लीटर STP में प्रोड्यूस होना चाहिए. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला बताया था ना, वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 लीटर. STP में वॉल्यूम दिया हुआ है ना 56, इसमें 22.4 से अगर हम डिवीजन अगर कर दें तो इतना मोल हो जाएगा. ये कोई दिक्कत नहीं ना. एक फॉर्मूला भी लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 लीटर. तो वही STP में वॉल्यूम दिया और 22.4 से डिवीजन किया, मोल निकल गया. अब ये देखो मोल निकल गया तो इसका मोल अब पता करेंगे. देखो यहाँ दो मोल अगर बनाना हो तो वन मोल नाइट्रोजन लेंगे आधा, इतना अगर मोल अगर बनाना हो तो ये हाफ, यानी कि हाफ करने का तो 1/2 × 56/22.4 इतना मोल होना चाहिए. नहीं माने इतना मोल बनाना हो तो इसका आधा ये लेना पड़ेगा. अब ये मोल नहीं पूछ रहा, नाइट्रोजन का मोल मत बताइए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम बताइए. तो मोल जब निकल गया नहीं 56/22.4 जब मोल निकल गया तो इसमें 22.1 मोल कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होता था 22.4 लीटर. नहीं तो इतना मोल कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया 28 लीटर STP पर. यही आंसर आ गया.
चलो हो गया। अब हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना, हटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। इक्वेशन जो है ना धीरे धीरे बदलेगा, बहुत सारा इक्वेशन आएगा, नहीं पर मैं हेडिंग डाल दो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे देखो हम लोग क्या किए ना, जैसे ये इक्वेशन लिखे हम एन टू प्लस थ्री एच टू, नहीं पहले समझ लो सबको, सबको इधर देखो, पहले टू मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, नहीं अगर ये वन मोल अगर हो तो ये कितना लेना पड़ेगा जी, थ्री मोल्स, और ये कितना बनेगा तुम्हारा, टू मोल्स। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि वन मोल अगर हम नाइट्रोजन लेंगे किसी भेसल में, किसी भेसल में जहां रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रोजन अगर वन मोल रखे हैं, हाइड्रोजन अगर थ्री मोल्स अगर मिला दें, ठीक है ना, वन मोल कोरेस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए, थ्री मोल्स मिक्स करें तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा। अब उस भेसल में थोड़ा सा बाद देखोगे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो दो मोल उसमें अमोनिया मिलेगा, ये दोनों तो खत्म हो गया रिएक्शन करके, माने वन मोल नाइट्रोजन कोरेस्पॉन्डिंग थ्री मोल्स हाइड्रोजन कंबाइन करता है, कंबाइन करके दोनों खत्म हो जाता है, दोनों रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, खत्म हो गया। और उस भेसल में देखोगे थोड़ा देर के बाद कि दो मोल तुम्हारा अमोनिया बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छा इसका क्या है, जैसे देखो जिस मान लेते अगर हम ये 10 मोल अगर लेते हैं, ये तो भाई 30 मोल लेना पड़ता, और ये अमोनिया कितना बनता है, 20 मोल फॉर्म करता है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 10 लेंगे तब ना ये 30 मोल मिक्स करना होगा, हमारा मन हम कहीं ऐसा क्या कंडीशन लगा हुआ है कि 10 मोल कोरेस्पॉन्डिंग 30 मोल हम भेसल में हाइड्रोजन मिक्स करेंगे, 10 मोल 10 मोल अगर हम नाइट्रोजन लें तो कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ना 30 मोल हाइड्रोजन होना चाहिए था जी, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के लिए, दोनों खत्म हो जाने के लिए। लेकिन मेरा मन हमको मिक्स करना है, हम 10 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं, नहीं और उसमें हम 20 मोल हाइड्रोजन मिला रहे हैं, पूछेगा ये कितना बनेगा भाई, उस समय 1:3 का मोलर रेशियो होना चाहिए, यहाँ इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से डिसाइड किया। लेकिन 1:3 हम हमेशा थोड़े मिक्स करेंगे, मेरा मन हम 1 मोल हम नाइट्रोजन ले लिए, हम 5 मोल हाइड्रोजन मिला देंगे, हम तो कुछ भी मिला सकते हैं, 1 मोल कोरेस्पॉन्डिंग 10 मोल हम हाइड्रोजन मिला देंगे, पूछेंगे अमोनिया कितना बनेगा, ऐसा क्या है कि एक मोल है तो 3 ही मोल लेना है, हमको मिक्स करना है दो गैस, अब दो गैस मिक्स करना है तो 1:3 का मोलर रेशियो होता, अगर इस इक्वेशन ये वाला इक्वेशन अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते तब 1:3 का मोलर रेशियो लेते हैं तब जाकर दोनों कंप्लीट रिएक्शन कर जाता, दोनों खत्म हो जाता, उस भेसल में कोई बचता नहीं, उस भेसल में सिर्फ अमोनिया जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना वही रहता। लेकिन हमको जब मिलाना ही है तो 1:3 क्यों मिलाएंगे, हमारा मन कर रहा है कि हम नाइट्रोजन 1 मोल लें, हाइड्रोजन 15 मोल ले लें, पूछेंगे अब अमोनिया कितना बना भाई, कुछ भी हम मिक्स कर सकते हैं। जब भी माने ये अगर मोलर रेशियो नहीं हो, कुछ अलग मोलर रेशियो हो जाए, देखो ये तुम्हारा 10 और 20 हम ले लिए क्वेश्चन में जो है 1:2 का मोलर रेशियो ले लिया, तो ये 1:3 तो है नहीं, होना तो चाहिए था 1:3। तब उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं, जिस मोलर रेशियो में होना चाहिए 1:3 का मोलर रेशियो होना चाहिए, तो भाई 1:2 का मोलर रेशियो दे दिया, 10 और 20 दे दिया है, नहीं तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं, देखो अब सब कुछ सीखेगा इधर, जैसे मान लेते लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो कंप्लीट कंज्यूम करे, पूरा का पूरा जिसका खर्चा हो जाए, नहीं पहले तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट था, 1:3 लोगे ना तो नाइट्रोजन भी समाप्त हो जाता था, हाइड्रोजन भी समाप्त हो जाता था, दोनों खत्म हो गया, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इस रेशियो में मिलाओगे तब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होगा, 1:3 अगर लेंगे तब लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन हम तो मिलाने के लिए कुछ भी मिलाएंगे, ऐसा क्या है कि 1:3 का ही मोलर रेशियो मिक्स करो भाई, हमारा मन कर रहा है 10 मोल या 20 मोल मिला दे,
1:3 तो हुआ नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका पहले एक को मानना पड़ेगा, पहले बेसिक सीख लेते हैं फिर शॉर्टकट मेथड को बता देंगे। मान लेते हैं नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो पूरा कंज्यूम कर गया, 10 मोल था, 10 का 10 मोल कंज्यूम कर गया, माने जीरो हो जाना चाहिए, 10 मोल लिया था, 10 मोल रिएक्शन कर गया। अब ये जो देखो ये माइनस माइनस का डिकम्पोज करना, ये 10 मोल डिकम्पोज कर रहा है, माइनस यहाँ लिखा हुआ है ना, मैंने डिकम्पोज करना, नाइट्रोजन हम 10 मोल लिए थे, 10 का 10 मोल डिकम्पोज कर गया है। अब ये डिकम्पोजिशन जो है ना, अब दूसरे का कितना होगा भाई, तीसरे का फॉर्मेशन कितना होगा, ये सारा कोफिशियंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। समझो यहाँ पर एक है, कोफिशियंट 1 है ना, 1 रुपया है, 1 रुपये में 10 लड्डू मिल रहा है, देखो ये 10 मोल ब्रेक कर रहा है। 3 है, 1 रुपया में समझो 10 गो लड्डू मिल रहा है, तो 3 रुपया यहाँ पर 3 कोफिशियंट है ना, तो 30 रुपया 30 गो लड्डू मिलेगा, तो लिए तो हम 20 मोल है, इसमें से 30 मोल ये डिकम्पोज कर जाएगा। माने जो भी डिकम्पोजिशन जो करना है ना, इस कोफिशियंट के हिसाब से करना है, फॉर्मेशन करना है इस कोफिशियंट के हिसाब से करना है। अब ये देखो 20 में से 30 तो माइनस हो नहीं सकता है, निगेटिव वैल्यू आ गया, ये निगेटिव, इसका मतलब ये गलत है, हम जिसको लिमिटिंग रिएजेंट माने हैं ना वो गलत मान लिए हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, निगेटिव क्वांटिटी थोड़े होगा जी, कोई भी चीज एक्स वाई मैथ थोड़े है कि मैथ में एक्स का वैल्यू चलो भाई निगेटिव भी होता है वाई, यहाँ तो क्वांटिटी है, कोई चीज घटते घटते बहुत होगा तो जीरो होगा, निगेटिव थोड़े हो जाएगा, नाइट्रोजन है खत्म होते हो तो जीरो होगा, ऐसा थोड़ा -5 मोल हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं। तो ये जो हम लिमिटिंग रिएजेंट माने हैं नाइट्रोजन को, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हो गया, क्योंकि 10 का 10 मोल ब्रेक कर रहा है नहीं, तो देखो यहाँ कोफिशियंट 1 है, यहाँ 10 डिकम्पोज कर रहा है, तो भाई हाइड्रोजन कितना डिकम्पोज करेगा, देखो यहाँ 3 है, तो 1 रुपया समझो यहाँ कोफिशियंट 1 है, माने 1 रुपया है, 1 रुपये में 10 डिकम्पोज कर रहा है, तो 3 रुपये में कितना डिकम्पोज करेगा, 30 डिकम्पोज किया, देखो -30 हम लिखे हैं नहीं। अब 20 में से 20 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो इधर निगेटिव वैल्यू हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है ना, इसका मतलब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट माने हैं ये गलत मान लिए हैं, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब हमको हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट मानना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना है 20 मोल है ना, चलो ऊपर करते हैं थोड़ा सा बोर्ड, दिखाई दे रहा है सबको, हाइड्रोजन को हम लिमिटिंग रिएजेंट माने, देखो ये 20 है, 20 है तो 20 ब्रेक करेगा नहीं, 20 मोल है, जीरो कर दिए। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जिसका पूरा कंजम्पशन हो, जो पूरा खर्च हो जाए, तो ये देखो अब ये इतना डिकम्पोज किया था, पड़ोसी कितना डिकम्पोज करेगा, इसका हिसाब इस यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो 3 रुपया समझो, 3 रुपये में 20 गो लड्डू मिल रहा है, 20 गो डिकम्पोज कर रहा है, तो 1 रुपये में कितना डिकम्पोज करेगा जी, ये तो 10 मोल था ना, ये 10 मोल था, समझो यहाँ 3 रुपया तुमको हम दिए, ये देखो 20 डिकम्पोज किया, मन 20 वो तुम लड्डू लेके आया, माइनस का मतलब डिकम्पोज करना, 20 डिकम्पोज कर गया, जब 3 है तो 20 डिकम्पोज कर रहा, 3 है यूनिटरी मेथड से लिख दो, यहाँ लिखते हैं 3 है तो 20 डिकम्पोज किया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो कितना डिकम्पोज करेगा, 1 होगा तो कितना हो जाएगा 20/3 नहीं, ये 20/3 डिकम्पोज कर जाएगा, तो 10/33 में से 20 अगर घटा देंगे तो 10/3 आ जाएगा ये नहीं, ये 10/3 मोल बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये बेचारा कितना बनेगा, देखो यहाँ पर जब 3 कोफिशियंट है, यहाँ देख रहा है ना 3 कोफिशियंट है तो 20 डिकम्पोज कर रहा है, यहाँ लिख दो 3 जब कोफिशियंट है तो 20 डिकम्पोज कर रहा था, 2 कोफिशियंट जब हो जाए 2 में कितना हो जाएगा 40/30, मानी ये जो बनेगा ना 40/3 मोल बन जाएगा, यानी कि अगर हम 10 और 20 मोल अगर हम मिक्स करें 10 और 20 मोल तो ये हाइड्रोजन पूरा समाप्त हो जाएगा और ये बेचारा बच जाएगा, अगर रहता तो फिर रिएक्शन करता हाइड्रोजन, अब है क्या, तो जीरो हो गया, और अमोनिया कितना बन जाएगा 40/3 मोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया नहीं, क्योंकि ये दोनों निगेटिव नहीं आ रहा, पिछला केस में हम नाइट्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट जब माने थे ये नेगेटिव आ गया था, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट गलत माने हैं, तो दूसरे को पड़ोसी को मानना पड़ा नहीं। ये पूछता है कि अगर हम पूछे क्वेश्चन में कि ये 10 मोल हो और ये अगर 20 मोल हो तो भाई नाइट्रोजन कितना बच जाएगा, तो 10/3 मोल बच जाएगा, पूछेगा अमोनिया कितना बन जाएगा तो 40/3 मोल बन जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि जीरो अमाउंट है,
तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जिसका कंप्लीट कंजम्पशन हो। पहले बोर्ड वाला लिखो तो फिर समझाते हैं फिर से। छोड़ो हम लगा देंगे, इधर से पकड़ो सबसे लास्ट वाला पार्ट। हाँ नहीं पहुंच रही है। हाँ ठीक है, हो गया हो गया। हाँ ठीक है, हो गया, ज्यादा मत ला। अरे ठीक है हो गया, नहीं गिरेगा, सेट कर गया। हो गया? यस सर। समझ में इतना दूर आया? चलो हो गया ना जी, हटा रहे हैं। अब देखो इतना करने में तो बहुत टाइम लगेगा हमको, नहीं? अगर ये 10 मोल दे दे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अगर 3 मोल दे दे। हाँ लेकिन ये जानना जरूरी है कि डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। ये जो डिकम्पोज जो किए हैं ना, नहीं ये कितना बनेगा, ये सारा कोफिशिएंट के हिसाब से करते हैं। कोफिशिएंट समझो यहाँ पर 1 रुपया, समझो 1 रुपया है ना, 1 रुपया में 10 गो लड्डू मिल रहा है, 10 गो डिकम्पोज कर रहा है। 3 रुपया में कितना डिकम्पोज करेगा, 30, नहीं डिकम्पोजिशन। और ये जो फॉर्मेशन देखो यहाँ पर 3 रुपया में 20 गो डिकम्पोजिशन हो रहा है, 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। और 2 रुपये में कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा।
तो ये सब डिकम्पोजिशन सीखना फ्यूचर में तो आएगा ही एप्लीकेशन में, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आएंगे इक्विलिब्रियम सब रिएक्शन में आएगा चैप्टर सब में, लेकिन हम लोग अभी मूल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो मूल कंसेप्ट में इतना लंबा नहीं करना, हटा रहे हैं हम लोग, बस शॉर्ट मेथड से कर देंगे इसको, एक शॉर्टकट मेथड है उसी को यूज करेंगे, लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए इतना लंबा काम नहीं करना है, एक शॉर्टकट मेथड। जैसे हम लोग क्या है क्वेश्चन में कि ये 10 मोल है भाई और ये देखो ये 20 मोल हम मिक्स किए 20 मोल, तो पूछ रहा है कि भाई अमोनिया कितना बनेगा, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, नहीं जो कोफिशियंट है उसे डिवीजन कर दो, देखो यहाँ 10 मोल है, 10 कोफिशियंट कितना है 1 है यहाँ पर ना, और ये 20 है इसमें 3 से डिवीजन कर दो, 3 से डिवीजन करेंगे तो 6.67 आएगा, ये क्या आएगा 10 आएगा, देख रहा है ना दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, ये स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू होने का तो जो छोटा वैल्यू हो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, आसान मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। नहीं जो कॉपी जो मोल दिया हुआ है ना यहाँ तो 1:3 का मोलर रेशियो होना चाहिए, तो 1:3 है नहीं, तो 10 और 20 है, 1:2 का मोलर रेशियो है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, क्योंकि उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट उतना लंबा नहीं करना है, करना क्या है जो कॉफिशियंट है ना उसे डिवीजन करना है, 20 और 3 से डिवीजन किए, यहाँ 10 मोल था कॉफिशियंट कितना है 1 है, 1 से डिवीजन किए, दो वैल्यू आया, दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, ये वाला है 6.67, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसी से प्रोडक्ट डिसाइड कर लो। जब 3 है कॉफिशियंट पर 20 तुम्हारा डिकम्पोज कर रहा था, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब 3 तुम्हारा कॉफिशियंट है नहीं 20 मोल ये डिकम्पोज कर रहा है, जब कॉफिशियंट 2 हो जाएगा तब कितना हो जाएगा जी 40/3 मोल हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये पूरा डिकम्पोज कर रहा है इसे, पूरा मैंने पता तो लग गया लिमिटिंग रिएजेंट मैंने 20 मोल है तो 20 का 20 मोल डिकम्पोज कर रहा है, तो बताया था 3 रुपया में 20 डिकम्पोजिशन, 3 रुपये में समझो 20 लड्डू मिल रहा है, 2 रुपया यहाँ कॉफिशियंट 2 है, 3 रुपया में 20 लड्डू तो तुमको हम दिए 2 रुपया, यहाँ कॉफिशियंट 2 है तो कितना हो जाएगा 40/3, यानी कि ये जो है ना ये 40/3 मोल बनेगा, मानी कि अगर ये 10 और ये 20 अगर लें तो ये कितना बन जाएगा 40/3, डायरेक्ट हम लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड कर लिए, जब 3 था कोफिशिएंट तो 20 डिकम्पोज किया, 2 अगर डी कोफिशिएंट होगा तो कितना बनेगा 40/3 मोल बनेगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 और 20 का मोलर रेशियो ले तो ये 40/3 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, इसी को हम यूज करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। चलो जल्दी से नोट कर लो, तो ये भी उस समय 40/3 ही आया था, सर अगर इसी को अगर हम लोग को मास में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बस ये मोल निकल गया तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर दो 17 से, सब कुछ है जैसे कि अगर वैल्यू मास में सबको दिया हुआ है और मास में लोगों को, हाँ तो सबको मोल पहले कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला यूनिट है कि मोल में कन्वर्ट करना है, मोल से मोल का निकालेंगे, जब मोल निकल गया फिर मास में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो हो गया, चलो अब क्वेश्चन एक आध दो बनाते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा उसमें, यही तरीका अप्लाई करना है। जब भी जो रिक्वायर्ड मोलर रेशियो अगर नहीं है, नहीं 1:3 का होना चाहिए वो तो जरूरी है कि 10 मोल है तो हम तीसरे मोल मिलाएंगे, हमारा मन 10 मोल है तो हम पांचवी मोल हाइड्रोजन मिलाएंगे, अमोनिया कितना बनेगा। जब भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं हो
लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो कोफिशियंट है ना उसे डिवीजन कर दो मोल में, जो छोटा वैल्यू है लिमिटिंग, अब पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट तो उसे से प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दूसरे से नहीं। क्वेश्चन लिखो, जिंक जेडन, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। According to the reaction, reaction लिख दो, जिंक और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। According to the reaction, ये reaction लिखना था, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन नोट करना है। उसके बाद लिखो, इफ 0.3 मोल ऑफ, इफ 0.3 मोल ऑफ, इफ 0.3 मोल ऑफ Zn जिंक, 0.3 mole of Zn are added to 0.52 mole of, are added to 0.52 mole of HCl, mole of HCl hydrochloric acid. Amado, how many moles of hydrogen? How many moles of H2 यानी कि हाइड्रोजन are produced? How many moles of H2 यानी कि हाइड्रोजन are produced? कहे बज रहा है? How many moles of H2 हाइड्रोजन are produced? सब कोई बोर्ड देख रहा है, देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, माने इसका 1 मोल अगर हो ये 2 मोल रिक्वायर्ड होना चाहिए, 0.3 मोल, हां 0.3 मोल ना, ये देखो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। अब ये 1:2 का मोलर रेशियो, ये देखो जिंक कितना है 0.3 मोल है और ये कितना है 0.52 मोल है। देखो 1:2 का मोलर रेशियो तो है नहीं, होना तो चाहिए था 1:2 का मोलर रेशियो, 0.3 या तो 0.6 होना चाहिए था, ये तो 0.52 है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का आसान तरीका क्या बताए हैं, जो मोल है ना उसको कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, 1 से डिविजन कर दिए, 0.52 यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.26, इसका वैल्यू कितना होगा 0.3, देखो ये छोटा वैल्यू आ गया, छोटा वैल्यू है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी से तुमको डिसाइड करना है। देखो ये 2 मोल है तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है 1 मोल, दिखाई दे रहा है ना 0.13 मोल, ये 2 मोल है तो 1 मोल, 0.52 है इसका आधा, कितना हो जाएगा 0.26 यानी कि हाइड्रोजन कितना बन जाएगा ये 0.26, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसे सेंसर निकालना है, दूसरे के बारे में सोचना, इसको नहीं मत सोचना, क्योंकि यही पूरा कंज्यूम हो रहा है, HCl ही पूरा कंज्यूम कर रहा है, वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ये तो बच गया बेचारा 0.3 मोल है, 0.3 मोल रिएक्शन ही नहीं यूज कर पा रहा है ये। यहां से देखो ये 2 तो 1, 0.52 आधा यानी कि 0.26 लिमिटिंग रिएजेंट था, इसलिए इससे हम डिसाइड किए, HCl ही लिमिटिंग रिएजेंट था, उसी से हम डिसाइड किए प्रोडक्ट, आंसर 0.26 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले,
मैंने पता लग गया लिंपिंग रिएजेंट, तो बस उसी से प्रोडक्ट निकालना है मोल वाला रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन दिया हुआ है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। लिखो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड How many grams of CO2 will be formed? CO2 कितना ग्राम बनेगा ये बताना है। चलो बोर्ड देखो, सबको देख रहा है जी, ये कितना है 20 ग्राम है और ये भी कितना है 20 ग्राम HCl है। सबसे पहले तो मोल निकाल लेंगे। वेट अपॉन मॉलिकुलर मास कितना 100 मोल आ गया। 20/HCl का मॉलिकुलर मास कितना 36.5। ये सब याद रहना चाहिए, बाद में जितना मॉलिकुलर मास है सब एप्लीकेशन में आएगा। शुरू में मॉलिकुलर मास लिखवाए होंगे। देखो दोनों का मोल निकल गया नहीं, अब मोल निकल गया तो होना तो चाहिए था। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, 1:2 का मिलर से दुगुना होना चाहिए, तो दुगुना नजर नहीं आ रहा है। यहाँ जो है इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा कोफिशिएंट के हिसाब से 1:2, इसका 2 टाइम्स तो ये है नहीं। जब भी स्टेप के साथ ना जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट चेक पहले करते हैं, जो भी मोल है उसको कोफिशिएंट से डिविजन करो। देखो कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 से डिविजन कर दिए। ये भी मोल है, कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 से डिविजन कर दिए। तो ये हो गया तुम्हारा 20/73। डिनोमिनेटर जो है ना 73 है, यहाँ कितना है 100 है, यानी ये छोटा क्वांटिटी हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पर ना, ये स्मॉलर वैल्यू हो गया। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। ये देखो 1 मोल है, ये भी 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, ये भी 1 मोल फॉर्म करेगा, ये भी 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। सही है ना जी कोफिशिएंट। अभी आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट से डिसाइड करना है। पता चल गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पता किया ना स्मॉलर वैल्यू से। बस ये अगर 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल, ये 20/100 मोल है, तो ये भी कितना 20/100 मोल आ गया। अब इसका जब मोल निकल गया CO2 का तो पूछ रहा है कि मोल मत बताइए भाई आप, नहीं इसका वेट बताइए। तो जब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकल गया तो उसमें मॉलिकुलर मास CO2 का कितना 44 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वेट आ जाएगा। नहीं वेट निकालोगे तो ये तुम्हारा 8.8 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। माने कि ये अगर 20 ग्राम ले तो ये 8.8 ग्राम का फॉर्मेशन होगा। चलो नोट कर लो सबको, इसी टाइप से बनाना है। हाँ
कहाँ क्लास हो गया ना? चलो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, क्लास ओवर करें। ओके सर। ओके सर। चलो सर। ओके गुड नाइट सर। ओके सर, पासवर्ड क्या है अटेंडेंस? गुड नाइट। पासवर्ड हमें नहीं मिला हुआ था, छोड़ दो, लोग बना देगा, लोग ऑफिस का।